पाकिस्तान के करीब 13 लाख लोग यूएई में रहते हैं, लेकिन इन लोगों के बीच भारत के पीएम नरेंद्र मोदी क्यों ट्रेंडिंग है? मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो, हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। पाकिस्तान में आटा चीनी का मौजूदा भाव क्या है? क्या अभी भी आटे के लिए लोगों की जाने जा रही हैं? आप हमारे हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान में कभी इतनी खुदकुशियां नहीं हुई, ठीक है? आटे के पीछे बेचारी लेडीज लोग मर गए, तो आप तो माशाल्लाह देखो कहां पहुंच गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। पाकिस्तानियों को मोदी से किस कमाल की उम्मीद है, जिस पर इंडिया में अभी भी तकरार है? तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से आपका इंडिया बहुत और आगे बढ़ जाएगा। ये किसका कमाल है? ये मोदी जी का कमाल है। क्या पाकिस्तान में 75 सालों के इतिहास का सबसे बुरा दौर शुरू हो गया है? 35-36 साल हो गए आलिया, मैंने पहली दफा देखा है कि कुछ मेरे दोस्त जिनके बारे में समझता था कि वो पाकिस्तान में बहुत सेटल्ड है, रियल स्टेट में है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, अब वो भी फोन करके पूछ रहे हैं कि भाग के जाएं तो कहां जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, मुसलसल कॉल्स आते हैं। आईएमएफ की शर्तों के तहत पाकिस्तान में 15 लाख नए लोगों को टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी है। पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम अनवारुल हक काकड़ ने फिर से सऊदी अरब के दरबार में अपनी झोली फैला दी है। अब गवर्नमेंट ने एक बार फिर कशकोल पकड़ के सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके सामने हाथ फैला फैला के और झोली फैला फैला के और कशकोल रखने का तहैया कर लिया है, फैसला कर लिया है। तो मसला ये है कि फिर से ये हालात वाकियात हो गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक, जितने बैंक हैं दुनिया के, उन सबसे मदद ली जाएगी। सर किसी को नहीं छोड़ना, कोई दर नहीं छोड़ना, हमने हर दर पे जाके हमने मांगना है, दर दर जाके हमने मांगना है। एक मर्तबा फिर ये काम शुरू होने लगा। जी हाँ, आईएमएफ से मिली खैरात के भरोसे 3 महीने तो पाकिस्तान जैसे तैसे चल गया, लेकिन अब फिर से कटोरा पकड़ने का वक्त आ गया है। जिन लोगों के मुफ्त दाने पानी का इंतजाम करना था, पाकिस्तान सरकार अब उन्हीं से टैक्स मांग रही है। इन्हीं में से एक है तनवीर अहमद। तनवीर दुबई में रहते हैं, एक टूरिज्म कंपनी में ड्राइवर है। इनका परिवार पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के हालात से तनवीर बहुत दर्द में है। तो मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो, हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 400-500 रुपए केजी है और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में, ये याद रखना। पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया ना, जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत, एक बूढ़ी माँ थी वो भी मर गई, ठीक है? अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो, वो आपको ही परिवार समझता है अपने मुल्क को। अभी G20 भी गया तो पूरा अरब उन्होंने मानो कि आपने साथ अटैच कर लिया। यानी पाकिस्तान में कुल मिलाकर वही दौर लौट आया है जो आज से 4-5 महीने पहले तक था। आटे के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही थी, इन कतारों में धक्का मुक्की और छीना झपटी से लोग मर रहे थे। महंगाई दर 50% के स्तर को पार कर चुकी थी। पाकिस्तानी नेता और फौज सऊदी अरब, यूएई और चीन के आगे गिड़गिड़ा रहे थे। आप हमारे हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान में कभी इतनी खुदकुशियां नहीं हुई, ठीक है? आटे के पीछे बेचारी लेडीज लोग मर गए, पाव के नीचे आके मर गए। आलू प्याज देखो वो आसमानों से बातें करते हैं, कुकिंग ऑयल देखो, ठीक है? तो आप तो माशाल्लाह देखो कहां पहुंच गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर आप देखो ग्रोसरी शॉप यूनाइटेड अरब अमारात में, क्या पूरे अरब में उसकी ओनर भी इंडियन, सुपर मार्केटों के ओनर भी इंडियन, लुलू बड़ा हैबर मार्केट है उसका भी ओनर इंडियन, गोल्ड के काम में 85% इंडियन, तो हर चीज में देखो आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। दुबई में बैठे तनवीर अहमद को भारत का मान सम्मान और हैसियत बढ़ने से तकलीफ नहीं है, उन्हें तकलीफ है अपने मुल्क पाकिस्तान की बर्बादी पर, उस भुखमरी पर जो पाकिस्तानियों का पीछा ही नहीं छोड़ रही। तनवीर दुबई से जो तकलीफ बयान कर रहे हैं वो पाकिस्तान के हर शख्स की जुबान पर है।
सौ सौ बंदा एक लाइन में खोलो के 10 किलो का आटा ले रहा है यार। ये लगे हुए इमरान खान के पीछे, वो लगे हुए हुकूमत के पीछे, अवाम की बैंड बज गई है। आधा मुल्क हमारा गिरवी पे चला गया, अपना संभल नहीं रहा। और बात कश्मीर की, बात इंडिया के मुस्लिम की, जो मुल्क था अभी हमारा माई बाप ही जो है IMF है, ठीक है, वहाँ से कर्जा लेते हैं हम अपने मुल्क को चलाते हैं। यार अवाम रुल गई यार, एक रुल गई, अवाम के पास खाने के लिए कुछ नहीं है यार। सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तान को कर्ज के लिए IMF को $2-2 अरब की गारंटी दी थी। पाकिस्तान इस्लामिक भाईचारे के नाम पर दोनों मुल्कों से सीधे कर्ज मांग रहा था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। जबकि सऊदी अरब और UAE दोनों कश्मीर में अरबों का निवेश कर रहे हैं। अबू धाबी में स्वामी नारायण भगवान जी का मंदिर बन रहा है, वो किसने बनवाया? एग्रीमेंट किसने किया? मोदी जी ने किया। किन के साथ किया? शेख खलीफा बिन जायद अल नायान के साथ किया, जो मर गए हैं। दुबई में भगवान जी का मंदिर बना के दिया, सारे भगवान है। ये किसका कमाल है? ये मोदी जी का कमाल है। तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से आपका इंडिया बहुत और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मोदी जी की जो पूरी टीम है। अभी आप योगी जी का एरिया ले लो, मैं बैठा यहाँ हूँ तो वो देखो, वहां पर बोलते हैं शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। तो अभी उधर दिन रात और चांद चांदनी बनाई हुई है, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपके लिए आपके मोदी जी क्या सोचते हैं, जो हमारे इलम में हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। खस्ता हाल इकोनॉमी के बीते एक साल में पाकिस्तान में क्या क्या ट्रेंड हुआ वो भी देखिए। पाकिस्तान से जिंदा भाग कर्मचारियों के वेतन के पैसे नहीं, अमेरिका में दूतावास बिल्डिंग की बिक्री, सरकारी पार्टियों में सिर्फ चाय और बिस्किट, एक हाथ में एटम बम और एक हाथ में कटोरा, और तो और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा देकर यहाँ तक कह दिया था कि चुनाव कराने के पैसे भी नहीं बचे। हुकूमत ये करे कि हमेशा के लिए हमारी जान छोड़ दे, हमने इसलिए पाकिस्तान नहीं बनाया था हमारे बड़ों ने कि हम गरीब आम कितने जावे, ऐ धक्के खा दे, असि 10-10 किलो आटा दें तो सौदा। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा महंगाई पहले कभी नहीं हुई। अल्लाह ना खौफ करो तो लोगों नाल जड़ा था, जुल्म ना करो, कोई मरने कोई खुदकशियां करने ना करो। हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही, हुकूमत सिर्फ अवाम को तबाह कर रही है, अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। हर चीज का बुरा हाल है, महंगाई का तो बहुत ही यूं कह लें कि इंसान की जो पहुंच है उससे दूर होती जा रही है, इंसानी जरूरत की चीजें। ऐसे हालात में पाकिस्तान को जब अपनी इकोनॉमी की चिंता फिर से करनी चाहिए थी, वो आतंकवादी संगठन हमास के इजहार मोहब्बत में पड़ गया। पूरे पाकिस्तान में हमास के समर्थन में रैलियां होती रहीं, हमास आतंकियों के भाषण होते रहे, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान जिस IMF के भरोसे चल रहा है वो हमास को आतंकवादी संगठन का दर्जा देता है। IMF जो किस्तें देने आए हैं आपको, 72 मिलियन की किस्त लेकर आए जो IMF वाले, जिनके तलवे भी आपने चाटने हैं और इसके बाद भी चाटेंगे आप। अकॉर्डिंग टू देम इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास। इस तरह भी कभी कंट्री में चले, यकीन करें क्यूबा के हालात भी आपसे बेहतर होंगे, नॉर्थ कोरिया के हालात भी आपसे बेहतर होंगे। आप खुदा रहा इसके साथ इस तरह ना करें, इस तरह ये मुल्क नहीं चलते भाईजान। इसको कोशिश करें कि आप कुछ रखें ऐसा कि शायद आप बच पाए। आप 72 मिलियन IMF के पैकेज के लिए तलबे चाट रहे हैं उनके, और इस वक्त इस्माइल हानिया जो है वो 4 बिलियन उनकी नेटवर्थ है, खालिद मिशाल वो भी 4 बिलियन है उनकी, और उनके अपने प्राइवेट प्लेन्स में वो घूम रहे हैं। इट्स अ शॉकिंग थिंग फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, और बिलखसूस जो मेरे बच्चे जो है वो जो उर्दू के ट्वीट वाले लौंडे लपाड़े हैं वो जो तड़प रहे हैं वहां से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इजाजत दे तो हम जिहाद के लिए फलस्तीन जाना चाहते हैं। बर्बादी के ऐसे आलम के बीच पाकिस्तान में भारत के PM नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे भी अचानक से ट्रेंड होने लगे हैं। इसकी वजह है दिवाली के मौके पर जनरल नरवणे का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने गुरुग्राम में अपना फ्लैट लेने के बारे में जानकारी दी है। पाकिस्तानियों को इस बात पर हैरानी है कि भारत का आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद गुरुग्राम में एक फ्लैट खरीद रहा है, जबकि पाकिस्तान के पूर्व जनरलों के पास लंदन और अमेरिका में अरबों की प्रॉपर्टी है। ये ट्वीट पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पैरोडी हैंडल से किया गया है, जो पाकिस्तान से ही चलता है।
असल में मसला ये है ना कि वो मुल्क हमारे मुल्क को हमारी आवाम को फतेह करने पे लगे हुए हैं, ठीक है, वो दूसरों के लिए नहीं लड़ रहे जो दुश्मनों के साथ लड़ना होता है। और इनका जो किरदार रहा है ना पिछले 74-75 सालों में, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं अब मजीद उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको इतना सिर्फ बता देता हूँ कि अगर आपने दुनिया के अंदर एक इम्पैक्ट पैदा करना है तो सबसे पहले अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें। आप मुझे बताएं क्या ये ऐसा हो सकता है कि मोदी एक स्टेटमेंट दे और उसका जो आर्मी चीफ है या फॉरेन मिनिस्टर है वो उसको निगेट कर दे? अभी तक देखने में नहीं ऐसा चाहिए। आप मुझे तारीख में दिखा दें ऐसे देखने में आया हो। अब देखिए हमने पिछले 74 साल से जंग जंग खेल लिया, कुछ नहीं मिला हमें, और ना इससे चीजों को रिजल्ट निकलना है। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया वो। यार ये इनके लोगों को कॉल रिकॉर्ड करने के अलावा इनको कोई काम ही नहीं है। भारत के पूर्व आर्मी चीफ के फ्लैट को लेकर पाकिस्तानियों की ये हैरत बेवजह नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा 12 अरब रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। पूर्व आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ के सिर्फ विदेशी खातों में ही 2 अरब रुपए कैश थे। पूर्व आर्मी चीफ राहिल शरीफ करीब 4 अरब रुपए की जमीनों के मालिक हैं। ये बहुत बड़ा एक हमारी पावर स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी एक खामी है, तजाद है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि किस आर्मी चीफ की किस वजीर आजम से बनी। मैं इससे कदम आगे बढ़ता हूं कि किस आर्मी चीफ डिक्टेटर की खुद सिस्टम से बनी है। तो ये बहुत से लोग भारत में कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारी तरफ जो आ रहा है वो कोई मोहब्बत या दोस्ती या कोई सबक सीख के नहीं आ रहा, बल्कि मुश्किल में फंसा हुआ इसलिए आ रहा है। सच्चाई तो यही है सर, सच्चाई तो यही है। और उससे पहले तो हम बहुत तंग करते रहे, उससे पहले हम उनको इनको अगर हमने अकोमोडेट कर दिया और ये दोबारा से ताकतवर हो गए तो ये फिर से हमला कर देंगे। दुबई में ड्राइवर की नौकरी करने वाले तनवीर जैसे आम पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि 75 सालों में अगर भारत और भारतीयों का डंका दुनिया भर में बजने लगा तो इन्हीं 75 सालों में उनका मुल्क क्यों बर्बादी की खाई में समाता जा रहा है। कुछ लोग मेरे साथ लफड़ा करना शुरू कर देते हैं, आप मोदी जी के पुजारी हो, फलाना है, धमाका है। तो मैं किसी पार्टी से मेरा कोई नहीं है, मैं तो टूरिज्म का काम हूँ और मैं इंडियन कंपनी में हूँ। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है आपने देशवासियों के लिए। क्योंकि मोदी जी के खोपड़ी जैसे अंग्रेज लोगों का 100 साल आगे का सोचता है ना, 200 साल, तो मोदी जी वैसी सोच रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको दुआ करूंगा कि दुआ करो कि ये 10-15 साल और गुजार जाए तो मान के चलो पहले अंग्रेज भी आकर आपके यहाँ वो लोग काम करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, मेरा भी इधर 13-14 साल का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड अरब अमारात में, तो हमने देखा है। ये जो जहाज भर भर के भिखारी उधर जा रहे हैं ना, है जी, तो इन्हीं को कह दें आपका नाम काम कर दें, ये वाला नाम रोशन करें मुल्क का इस तरीके से, तो ये हुकूमत का काम करें, अपना काम अपने लिए भीख ना मांगे। कशकोल उनको पकड़ाएं, उनसे कहें जाओ हमारा काम करो जाके और ये इतने पैसे लेकर आओ। आईएमएफ से पाकिस्तान को कर्ज जरूर मिलना है, लेकिन इसके एवज में पाकिस्तानी फौज और सरकारें आम लोगों पर कर्ज का पहाड़ लादते जा रहे हैं, पाकिस्तानियों की जान निकली जा रही है और फौजी अफसरों के विदेश